नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है पानीपत मूवी का ट्रेलर जो कि आज ही आउट हुआ है। और अगर हम बात करें इसकी स्टारकास्ट की तो स्टारकास्ट में है संजय दत्त, कृति सैनन, अर्जुन कपूर और इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगी इनमें जीनत अमान, कुणाल कपूर और साथ में मुनीश भार। और अगर मैं बात करूँ पानीपत मूवी की तो कल जब मैं इंस्टाग्राम मतलब यूज करती हूँ क्योंकि मैं काफी सारे एक्टर्स को फॉलो करती हूँ उसमें, तो संजय दत्त, अर्जुन कपूर और कृति सैनन तीनों के अकाउंट से लाइक पानीपत मूवी के जो पोस्टर हैं हाँ वो रिलीज हुए, काफी खूबसूरत लग रही थी। रोल्स बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही थी और मतलब जो पोस्टर्स हम लोगों ने देखे भी थे उसमें लग रहा था कि कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड ही मूवी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं मूवी का ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का रोशन लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आपको दूसरे चैनल का लिंक, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे ट्विटर का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। हाँ तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, देन वी विल डिस्कस कि हम लोगों को पानीपत का ट्रेलर कैसा लगा। चलिए स्टार्ट हुआ द ट्रेलर। मैंने सुना है जब पेशवा अकेले मुहिम पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लौटते हैं। मेरे जीव तुम ही हो और तुम ही रहोगे। शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी? सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। अच्छी मूवी है। आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं। मराठों के खिलाफ चलने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर। एक है जहां पर, अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार जब वो यहाँ आया था तो यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था। मूर्ख तक तो ये कोई नूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है, जीने से नहीं मिलता। तलवारें खींच लो, इस बार हमें उसे रोकना होगा। नहीं पारे ने खराब किया ना, फिर दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान आपका। वो एक लाख की फूट लेकर आ रहा है तो हम कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे? हम मराठों का सफाया कर देंगे तो फिर हमारे बंधु के आप। इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी न करे। मैं भी तुम्हारे साथ मुहिम पर चलूंगी, सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी। अब्दाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धरती पर वीर योद्धा खत्म नहीं हुए हैं। हमारे बीच कोई दरिया नहीं है, अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की रणभूमि है। बहुत अच्छे पानीपत। तू छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है। मैं इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूँ। अगर बात करें पानीपत की जो ट्रेलर की है तो ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से जो है हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया था। और लाजिम बताया जब इस तरह की मूवीज बनती हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, काफी कुछ जो आपके नॉलेज में नहीं होता वो आपको पता चलता है। लेकिन अगर मैं इससे पहले बात करूं तो मैंने पानीपत ऑफ बैटल ऑफ पानीपत जो थी इसके बारे में मैंने पढ़ा भी हुआ था कि ये हुई थी पानीपत इंडिया में, जो है हरियाणा स्टेट में आई थिंक ये एरिया आता है पानीपत, वहां पे जो है
है ये जो है लड़ी गई थी दिल्ली और पंजाब के बीच में जो है ना, अच्छा, एक हाँ ये जगह आती है। अच्छा मैं बात करूँ तो इसलिए क्योंकि मुझे तो लाइक हिस्ट्री का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मूवीज होती है वो हिस्ट्री जानने के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म होती है। तो मैं जितना भी हिस्ट्री के बारे में और यू नो जितने भी क्या से बोलेंगे लाइक जितने भी हिस्ट्री में बादशाह या राजा महाराजा रहे हैं उनके, मुझे तो मतलब मूवीज के थ्रू ही पता चला है और इवन की वीडियोज देखे, जैसे कि हम लोगों को ट्रेलर देखे भी पता चला कि बेसिकली जो लड़ाई हो रही थी वो मराठा एम्पायर और साथ में अहमद शाह अब्दाली बारे में, वैसे मुझे पता नहीं कि कौन है, लेकिन ये पढ़ के मैं पता चला कि वो अफगानिस्तान के, बिल्कुल बिल्कुल अफगानिस्तान के जो वो शहनशाह कहले बादशाह कहले वहाँ के राजा ही थे, तो वो वहाँ के स्टेट फाउंडर थे। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम बहुत नालायक हैं, तो वाकई अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वो वक्त था जब मुगल एम्पायर जो थी वो डिक्लाइन में जा रही थी, खत्म होने की तरफ जा रही थी, तो हाँ मराठा एम्पायर जो था वो उस टाइम ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान पे वो अपनी हुकूमत उस टाइम कायम कर रहे थे। तो जो मुगल एम्पायर के उस टाइम जो शहनशाह थे, मुझे अब क्योंकि काफी देर हो गया मुझे पढ़े हुए, उनका मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने जो है फिर अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि बीच में भी दिखाया गया कि एक उनका जो मुगल जो है कोई भी हाँ, को वो नहीं रोक सकता, अहमद शाह अब्दाली, तो उन्होंने जो है अहमद शाह अम्पाली सॉरी अब्दाली जो कि दुरानी एम्पायर के जो हेड थे शहनशाह थे, उन्हें जो है बेचा कि हमें के बचाया जाए, हमारी सल्तनत जो है उसे खत्म हो रही है, अच्छा। उसे कायम रखा जाए। तो उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली ने उनका जो ये न्योता कह लें कबूल कर लिया और वो वहां पर आए और पानीपत के मुकाम पर लड़ाई हुई 1761 को ये जंग लड़ी गई। और ये दुनिया में उन जंगों में इनके दुरानी एम्पायर इसमें जीत हो गए, अहमद शाह अब्दाली जीत हो गए, लेकिन तारीख में ये लिख दिया गया कि ये उन जंगों में शुमार होती है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। वैसे ना मैं एक बात बोलूं, मुझे सीरियसली पता नहीं था, पानीपत का नाम तो मैंने सुना था लेकिन मैं हिस्ट्री नहीं इसके बारे में जानती, बट जिस तरीके से हमने ट्रेलर देखा ना वाकई में बहुत ही एक ना वायलेंस हमें नजर आया कि किस तरीके से वो मतलब तलवारें चलाई है। वैसे ना सीरियसली कभी कभी मेरा दिल करता है कि काश ऐसा होता कि सब लोग जिनसे ना अपनी अपनी टेरिटरी में रहते, कोई किसी को तंग ना करता, राजा महाराजा भी होते बादशाह भी होते सारे प्ली और किसी को तंग ना करते, कितना अच्छा टाइम होता ना, सारे एक दूसरे की जगहों पर जाते, डिफरेंट कल्चर होते और सुकून से रह रहे होते। पर पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि शुरू से ही एक इस चीज के लिए लोग इतनी जंग करते हैं ना, पावर के लिए, सीरियसली जमीन के लिए, मेरी जमीन ज्यादा ज्यादा, क्योंकि बीच में भी अगर देखा जाए तो अर्जुन कपूर और संजय दत्त सर जो हैं उनमें बीच में एक डायलॉग हुआ है जहाँ पे उन्होंने कहा कि जमीन के छोटे टुकड़े के लिए तुम लड़ रहे हो, तो वो क्या था कि एक छोटा सा गड़ा भी होगा उसके लिए भी मैं जान दे दूंगा, ठीक है ना। तो शुरू से जगह की ही जंग लड़ती आई है। मुझे ऐसा लगता है कि ना वैसे अगर मैं अभी भी देखूं तो मुझे अभी भी लगता है कि जो पुराने टाइम की चीजें हैं ना वो भी तो खत्म नहीं हुई, अभी भी ऐसी ही चीजें हैं कि लोग पावर के नशे में पावर के लिए ही ये चीजें करते रहते हैं। एनीवे अगर हम खैर मूवी की बात करते हैं, हमके लाइक मौजूद में काफी अच्छी हिस्ट्री बता दी मुझे तो खैर मैंने जो पढ़ा था वो ये था। अब क्योंकि मुझे पता है कि काफी ज्यादा लोग मुझे करेक्ट कराने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे बताए भी कि मैं कहाँ पे गलत हूँ ताकि मेरी वो नॉलेज में मजीद इजाफा होगा। ये तो वैसे मूवी देखकर भी हम लोगों को पता चलेगा कि मूवी किसके मतलब ये मूवी में क्या क्या है, लेकिन मुझे मूवी के VFX बहुत अच्छे लगे, बहुत ही मतलब आपको वाकई में लग रहा था कि आप उसी जगह पर हो, बिल्कुल काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि मैंने पहले ही चिट्ठिया दी जो भी उन्होंने जंग लड़ी जो उन्होंने VFX इफेक्ट्स यूज किए वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किए गए और मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। हाँ मुझे कृति सनन भी बहुत प्यारी लगी है, मुझे ऐसा लगा कि अगर जैसे लाइक उसके बाद अगर हम बात करें क्या नाम दीपिका हाँ दीपिका के बाद अगर कृति सेनन आई तो मुझे लग रहा है काफी खूबसूरत लग रही है। और अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे बाजीराव के जो यानी कि अगर बात करें अर्जुन कपूर की मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगे जितने अच्छे मुझे जो है रणवीर सिंह जो है इस रोल में वो लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमने दो तीन मूवीज में देखा है ना इस तरह की तो बहुत अच्छे लगे हैं। बट आई थिंक जब तक हम लोग देखेंगे नहीं हम लोग इतना आइडिया नहीं, क्योंकि एक नई चीज को यू नो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मे बी लेकिन ये डिपेंड करता है
था कि उन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस की है वो मूवी देखकर पता चलेगा, और फिर उसके बाद यू नो लोगों को वो अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि हम लोग पहले रणवीर सिंह को देखते हैं, उनकी तो जो एक्टिंग है काफी इंटेंस और एग्रेसिव, वो आपको उसमें उनकी एक्टिंग में नजर आता है. लेकिन उसके साथ साथ एक चीज मजे की है कि देखो पहले उनके फ्रेंड, ये दोनों फ्रेंड है बहुत अच्छे आपस में, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह, तो पहले उनके फ्रेंड ने ऐसी मूवीज की, अब हाँ, भी इस तरह की मूवीज कर रहे हैं, तो मे भी लोग इस तरीके से भी इन लोगों को कंपेयर करें एक्टिंग वाइज. एनीवे, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी. इसी के साथ हमें ज्यादा हमारी वीडियोस करें, हमारे चैनल करें, सब्सक्राइब वीडियोस करें, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स टिल देन. गुड बाय.